मैं आशीष कुमार दास, भिलाई छत्तीसगढ़ से। और ये बता दीजिए, मैं संकलन, हाँ मैं गांधी जी का मतलब ये डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स और मैगजीन्स से कलेक्ट करता हूँ। ये मेरा जो सिलसिला है करीब 30 साल से चल रहा है। उनका बुलेटिन है कांग्रेस का, और इसमें सर एक खींच लीजिएगा, जो उधम सिंह को जो गोली मारा था उधम सिंह ने, तो कोई प्रॉब्लम होगा था। ये वाला पोर्शन ये जलेन वाला बाग है, वो हत्याकांड का वो एनिवर्सरी इशू है। वो उसमें लिखा ना अमृतसरनी श्राद्ध तिथि। हाँ, ये जो है आपका राष्ट्रीय गीत होना चाहिए, नमो हिंदुस्तान करके लिखा हुआ है, और वो गाना भी लिखा हुआ है नमो हिंदुस्तान, और इसको लिखी थी सरला देवी चौधरानी मतलब, और इनकी भांजी थी रविंद्रनाथ टैगोर। वो जो है रामप्रसाद बिस्मिल का सरफरोशी की तमन्ना के बारे में मतलब उसका मतलब प्रेस किया हुआ है, ये वाला 1921 का पेपर है। और काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 में हुआ था, फिर गांधी जी फिर इसमें चले गए थे इनके मतलब क्रांतिकारियों के दोनों से अगेंस्ट में। तो इसमें क्या उसकी तारीफ की गई है? इसमें तारीफ की गई है, ये जो गाना है ना सरफरोशी की तमन्ना को मैं लिखा हूँ उसमें। ये सर टैगोर का कविता था, ये ट्रांसलेशन किया हुआ है गुजराती में जुगतराम दवे द्वारा। ये पेपर एक्चुअल में क्या है कि ज़्यादातर महादेव देसाई का है, महादेव देसाई एल्फिंस्टन कॉलेज से पास आउट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे इंग्लिश में, और इनके बारे में अब उनको हिंदी को उतना नॉलेज नहीं था, गुजराती इंग्लिश और बंगला में अच्छा नॉलेज था। अच्छा सर, ये नौजीवन में ये माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ का ये लिखा हुआ है, ये एक्चुअली धारावाहिक चला यंग इंडिया में और नौजीवन में, तो ये कई लोगों को मालूम नहीं है, तो मेरे पास यंग इंडिया वाला तो नहीं है, नौजीवन वाला है। ये नौजीवन देख रहे हैं, ये साइक्लोस्टाइल इशू है, ये 8 महीना तक चला था नौजीवन और अपना यंग इंडिया। ये उस समय क्या हुआ था कि डांडी मार्च के बाद, डांडी मार्च खत्म हुआ 6 अप्रैल 1930 में, और 5 मई 1930 में गांधी जी को अरेस्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उनका ये जो प्रेस है नौजीवन प्रेस उसको सीज कर दिया था। तब लोगों ने अंडरग्राउंड होके ये 8 महीना तक के निकाले थे साइक्लो स्टाइल में, और ये इसमें आपको इसलिए आपका एडिटर का नाम नहीं मिलेगा, जिसमें वहाँ पे तंत्री मोहनदास करमचंद गांधी मिलता है, यहाँ पे मिलता है स्थापक करके, यहाँ एडिटेड भाई वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। ये हिंदी नौजीवन 1924 से लेके 1931 तक चला था। आपको बता रहा हूँ मैं, यंग इंडिया जो है उर्दू में भी निकला था कुछ इश्यूज, और हरिजन ऐसा मराठी बंगाली तमिल में भी निकला था, वो सब है नहीं हमारे पास, ऐसा निकला था मैं ऐसा देखा हूँ ऐसा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का डॉक्यूमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जिसमें कुछ अंदर से मतलब ये फॉर्म्स ने हेल्प किया था। ये 1932 में वो पूना पैक्ट के बाद फिर वो हरिजन सीरीज चालू हुई थी गांधी जी ने, ये सब बंद हो गया था, तो हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में, और हरिजन सेवक हिंदी में, तो हरिजन सेवक मेरे पास नहीं है। और आपको बता दूँ, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो ये सिम कार्ड है जर्मन का, जर्मन टेलीकॉम डिपार्टमेंट का, ये 2006 का सिम कार्ड है, ये गोल्डन कलर में दिख रहा है ना वो सिम, और ये फोन कार्ड है ये नीचे वाला है।
जो फोन कार्ड है ग्रेट ब्रिटेन का, इटली का है। तो क्या हुआ ना कि उन लोगों ने इसके अलावा कोस्टा रिका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फ्रांस हो गया, इन लोगों ने भी गांधी जी को ऐसे ब्रांड एम्बेसडर यूज़ किया है टेलीकॉम डिपार्टमेंट, और कहा कि उनका नेटवर्क जो है, मतलब हमारा जो नेटवर्क है वो गांधी जी के नेटवर्क जैसा स्ट्रांग है। वो जो दिख रहा है आपको वो तमिल का है, मतलब वहाँ पे साउथ में ना गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का ऐसे फोटो वोटो चिपका के लोग अपना लेटर का आदान प्रदान करते थे। ये थोड़ा चंपारण से जुड़ा हुआ है, ये चंपारण सत्याग्रह में, मतलब वो मोतिहारी में जब गए थे उस समय उन्होंने जो ये देखा था एक सेठ के यहाँ गौशाला देख के काफ़ी प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने प्रण किया था कि मैं गांधी गौशाला का निर्माण करूँगा करके, ताकि गांव का उत्थान हो करके। तो ऐसा उसके लिए वो चंदा इकट्ठा करते थे हर सभा में, तो वो जैसा अभी हम लोग रिसिप्ट देते हैं उसके बदले में वो टिकट देते थे। तो ये 32 तक चला था, और जब गांधी सेवक हरिजन सेवक संघ बना, फिर हरिजन सेवक संघ के नाम से वो टिकट निकालते थे। और आपको बता रहा हूँ उसके अलावा गांधी जी ऑटोग्राफ देने से 5 रुपये लेते थे। हाँ, तो गांधी जी ऐसा कलेक्शन कर उस, मैं ये जो बता रहा हूँ लेटर पीरियड का, जब हरिजन से का उत्थान के लिए, क्योंकि सर ये सब मैं कई चीज़ जो है ना बुजुर्ग लोगों से भी मैं पता लगाया हूँ जो अभी ख़त्म हो गए, तो ऐसा मतलब ये सामने आया है कि उन लोग पैसा खा, क्योंकि क्या सर आप लोग अभी जैसा कई लोगों का ये है, जैसे आपका वो गांधी जी मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, ये इन्हीं का रचना किया होगा, ये आपका नरसिंह मेहता का, और जो हरिजन वर्ड है ये भी इन्हीं का है, लोग सोचते हैं गांधी जी का है लेकिन हरिजन वर्ड भी इन्हीं का दिया हुआ है, नरसिंह मेहता जी का। हाँ, वो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, अब तो दलित बोलते हैं, वो भी शायद चेंज होने वाला है शायद। ये सर रोमेनिया एकमात्र देश है जो एनवेलप गांधी जी पे निकाला है, और वहाँ पे जब आप देखे थे जो पोलैंड है वो एकमात्र देश है जो पोस्टकार्ड निकाला था गांधी पे। ये जो पोस्ट ये है आपका ताज है, टाइम मैगजीन का 60 ईयर्स यूरोप में होने से, ये 47 का टाइम मैगजीन का कवर पेज है, ये भी है हमारे पास ये वाला टाइम मैगजीन, और ये आज़ादी के पहले का प्लेइंग कार्ड है जिसमें गांधी जी, मदन मोहन मालवीय और आपका चिदम्बरम दास, ये सब दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू। अच्छा, गांधी जी जो टेंपल में जो एंट्री करवाए थे आपका हरिजन लोगों का, उसका विरोध में धर्म महामंडल ने ये कैंपेनिंग करके लेटर लिखा था 4 पन्ने का है, श्रीमान गांधी जी एंड इज इल एडवाइज्ड कैंपेन अगेंस्ट सनातन धर्म, कौन से मंदिर में घुसाया क्या मारपीट वो सब लिखा हुआ है। ये सर गांधी जी को जो अरेस्ट किया था वो अरेस्ट, वो उसका रीजन दिया हुआ है, और ये स्पीच नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जब आपका चौरी चौरा का घटना हुआ ना जनवरी में, उसका फरवरी में विड्रॉ कर लिए नॉन कोऑपरेशन, मतलब असहयोग आंदोलन, तो उनका जो राजा था शाहपुरा स्टेट का, इन लोग तो ज़्यादातर राजा लोग क्या ज़्यादातर इन लोग विरोध में थे, तो उन्होंने गांधी जी के अगेंस्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट में 19 पन्ने का ये स्पीच दिया हुआ है। इसमें क्या है एक्चुअल में मैं ये सब चीज़ भी रखा हूँ, कौन क्या गाली दिया उस समय, कौन क्या अच्छा बोला, मतलब इसमें वो भी होना चाहिए। हाँ, अब क्या बोला था क्या नहीं, और ये वाला
ये ग्राम उद्योग पत्रिका है, ये इंग्लिश में, और ये मंथली निकलता था। ये एक्चुअल में है अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ, गांधी जी ने स्थापना किया था 1934 में, ग्राम का उत्थान के लिए काम करने लगे, और इसका अध्यक्ष खुद बने थे और जे सी कुमार अप्पा को सचिव बनाए थे। तो वही पेपर है और ये लिफलेट्स हैं ब्रिटिश प्रोपेगेंडा गांधी जी का। सर मतलब फोन कब हुआ नहीं अभी तक। इसमें क्या है कि ये फॉरेन मैगजीन्स में गांधी जी को कवर पेज में कितने मैगजीन्स ने स्थान दिया है, तो मेरे पास 18 मैगजीन है और इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कितना मैगजीन्स में मतलब ये मिला है। तो उसमें टाइम मैगजीन 31 का नहीं है, लाइफ मैगजीन 46 का नहीं है, तो ये वीडियो कलेक्टिबल्स है 43 का, वो भी नहीं है। सर अभी ना 2 अक्टूबर को पुर्तगाल में एक डाक टिकट निकाला है गांधी जी के ऊपर खादी कपड़े पे। सेकेंड अक्टूबर का है, 1949 का, गांधी जी को सूरज के हिसाब से और ये औरत उनको प्रणाम कर रही है। ये सर राउंड टेबल, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 3 ही आदमी गए थे, आगा खान, आपका अम्बेडकर साहब और वीटी कृष्णमाचार्य सर। ये वीटी कृष्णमाचार्य का एक सिग्नेचर किया हुआ लेटर है, और आज़ादी के बाद ये वीटी कृष्णमाचार्य साहब वाइस चेयरमैन बने थे प्लानिंग कमीशन के, फर्स्ट एंड सेकंड प्लानिंग कमीशन के। इनका मैसेज है गांधी जी का, उसको ये लिख दिया हूँ मैं। लिख लिया क्या सर? इसमें पूरा आपको ट्रांसलेशन में मिल जाएगा, इसमें डालेंगे ना ट्रांसलेशन में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। और मैं ये टॉपिक लिख दिया हूँ मैं। फिर से सर बोलिए, बोलिए फिर से। ये 46 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में ये डिसेबिलिटी सोशल डिसेबिलिटीज ऑफ रीजन रिमूवल बिल पास हुआ था, उसका कॉपी है। ये बिल पास करने के लिए गोंदा स्टेट का राजा को लेटर लिखी है सरला देवी साराभाई, उनका लेटर है। और सरला देवी साराभाई जो है वो विक्रम साराभाई और मृदुला साराभाई की माँ थी और अम्बालाल साराभाई का स्त्री, अम्बालाल साराभाई। इसके साथ ये मिला था हमको।
ये सर ज्यादा मतलब 99% आपको मेरे को रद्दी जो रद्दी है कागज के उन दुकानों से मिले हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नहीं विदेशों जो है ये क्या है मेरे को खोजना पड़ता है, इसमें थोड़ा तकलीफ हो रहा है मेरे को क्योंकि क्या है इन्हें कॉन्टेक्ट करने में वो विदेशी लोग जल्दी छोड़ते नहीं है, हमारे देश के लोग तो निकाल देते हैं मगर विदेशी लोग नहीं छोड़ते हैं, भले वो कोई भी दस्तावेज हो जल्दी वो छोड़ते नहीं हो। गाने की कौन सी खासियत, आपने गाने पर इतना काम किया है, आपके पास इतना संगीत है ओरिजिनल है, सबसे कौन सी आपको खासियत है और उसको मैंने बता दो क्यों वो आपको आकर्षित कर रहे हैं? सर मेरे लिए तो सभी खासियत है सर, उसका तो हर चीज़ मेरे को अच्छा ही लगता है, चाहे वुमेन्स एम्पावरमेंट बोलिए, चाहे वो कुटीर उद्योग बोलिए, चाहे वो आपका अस्पृश्यता के ऊपर बोलिए, चाहे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोलिए, चाहे वो सत्याग्रह। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि सर हमारा देश ऐसा देश है जो आज़ादी के पहले नेशनल वीक मनाती थी 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक, और ऐसा कई देश नेशनल वीक और नेशनल डे मनाती है जो कि इंडिपेंडेंट डे से अलग है, मगर हम नेशनल डे मनाते हैं ना नेशनल वीक मनाते हैं। हमारे पास वो भी डॉक्यूमेंट्स है जो नेशनल वीक मनाने का वो है, तो ये चाहते हैं कि कम से कम ऐसा तो हो कि नेशनल वीक या नेशनल डे मने। गांधी को पहले से भी याद किया जा रहा है या गांधी को लोग भूल रहे हैं? सर एक्चुअली मैं बता रहा हूँ इंडिया में तो गांधी को ट्विस्ट किया जा रहा है, उसका आइडियोलॉजी से ट्विस्ट हो गए, मगर फॉरेन में अभी भी उनका काफ़ी पूछ है, मतलब अपने देश में तो मतलब ग्राफ निश्चित है। और जो यहाँ इनका नाम लिया जा रहा है वाकई में माने दिल से नाम लिया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो इस्तेमाल हर पार्टी कर रहा है, हर पार्टी, चाहे वो अभी का कांग्रेस भी बोलिए, उस जमाने का कांग्रेस अभी नहीं है, चाहे बाकी पार्टी तो बस ऐसे ही है, वो स्ट्राइक करना रहेगा, कुछ प्रोटेस्ट करना रहेगा तो गांधी स्टैचू के सामने बैठ जाएंगे, बस हो गया, वहीं तक के हैं और तो कुछ दिखता नहीं मेरे को। आपको